एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में 26 दिसंबर से 28 दिसंबर तक निशुल्क कोविड वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में कोवैक्सीन के टीके लगाए जाएंगे, जिसका समय सुबह 10:30 बजे से 3:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। कोविड वैक्सीनेशन के लिए विभिन्न माध्यमों से क्षेत्र की जनता को जागरूक कर रहे एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में दिनांक 26 से 28 दिसंबर तक 3 दिवसीय निशुल्क टीकाकरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिला स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आयोजित हो रहे शिविर में 15 से अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोवैक्सीन की फर्स्ट, सेकेंड एवं बूस्टर डोज लगाई जाएगी। टीका लगाने से वंचित रहे लोग इस निशुल्क शिविर का लाभ उठा सकते हैं। शिविर की जानकारी जिला नोडल अधिकारी IDSP दुर्ग डॉक्टर CVS बंजारे एवं SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के डॉक्टर SP केशरवानी ने दी। मैं क्षेत्र की जनता को यह जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे SR हॉस्पिटल चिखली दुर्ग में दिनांक 26 दिसंबर से 28 दिसंबर तक प्रातः 10:30 बजे से 3:30 बजे तक निःशुल्क कोरोना टीकाकरण का टीकाकरण किया जाएगा, जिसमें की कोरोना का कोवैक्सीन का टीकाकरण किया जाएगा। मैं क्षेत्र की जनता से अपील करता हूं कि वह इस टीकाकरण का अधिक से अधिक लाभ उठावें। इसमें प्रावधान यह रहेगा कि 15 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज एवं बूस्टर डोज देने का प्रावधान रहेगा, अतः इसका अधिक से अधिक लाभ उठावें। मैं यह चिकित्सक होने के नाते यह संदेश देना चाहता हूँ कि क्योंकि हमारे पड़ोसी देश चाइना में कोरोना ने अति गंभीर रूप ले लिया है, जो कि जिसके प्रभाव से हमारे देश में भी ये ऐसी संभावना है कि हमारे देश में भी इसका वृहद रूप से प्रकोप हो सकता है। अतः मैं कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करने का क्षेत्र की जनता से अपील करता हूँ, जिसके अंतर्गत मास्क लगावें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें एवं हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। सुरक्षित रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद। दिल्ली से न्यूज आ रही है और चाइना का जो कोविड का केस बढ़ते जा रहा है, उसको देखते हुए स्टेट से भी गाइडलाइन आई है, सेंट्रल की भी गाइडलाइन है, तो जिसके तहत सभी को कोविड से बचाव के लिए वैक्सीनेशन मस्ट है। जिसको फर्स्ट डोज नहीं लगा वो भी लगवा लें सेकेंड डोज, और जो सेकेंड लगा चुके हैं, जिनका 6 महीना कम्प्लीट हो चुका है, वो बूस्टर डोज लगवाए, यही अपील है। और जिसके तहत ऐसा हॉस्पिटल वाले की डिमांड थी, पूर्व में और लगाए थे हम लोग कैंप पानी शुल्क उनकी मांग के आधार पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। कोविड में अभी जिस प्रकार से कोविड नियमों का पालन में सैनिटाइज करना और साबुन से हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी, ये इस प्रकार की जो भी सावधानियाँ हैं उसको नियमित रूप से हम करते रहें, क्योंकि सेकेंड वेव जिस प्रकार से जो हानि हुई है लोगों के बीच में, वो स्थिति ना हो, इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी है वैक्सीनेशन कराना। सर, चूँकि जैसे कई जो हैं लोग हैं उनको कोवैक्सीन लग गया सर, जिनको जिनको कोवैक्सीन लगा सर, वो सेकंड बूस्टर में कोविशील्ड लगा सकते हैं क्या? हाँ, इसका तो विशेष कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन वर्तमान में हमारे पास सिर्फ कोवैक्सीन की वैक्सीन उपलब्ध है, तो जितने भी हमारे कोवैक्सीन लगाने वाले हितग्राही हैं, और खास करके हमें शुरू में जिस समय बहुत ज़्यादा चल रहा था तो कोवैक्सीन गर्भवती माताओं और इनको भी लगाए थे, तो ऐसे लोगों को बूस्टर डोज का भी समय हो गया। अमेरिका से 4-5 महीने पहले या 6 महीने पहले कोवैक्सीन ज़्यादा प्रीफर किए थे, ताकि 28 दिन में लगते बन जाए ज़्यादा लोग को वैक्सीनेट करने के लिए। तो इस प्रकार से हमारे पास ड्यूलिस्ट सेकेंड डोज और बूस्टर डोज का बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी थोड़ा सा कम हो जाने के कारण लोग में जागरूकता नहीं थी, और उसी के तहत पूरे जिले में जिले के लिए भी 28 और 29 को महाअभियान का आयोजन चल रहा है दुर्ग जिले के लिए, और 26 तारीख से कंटिन्यू 31 तारीख तक कंटिन्यू हमारा प्रोसेस रहेगा और लगातार चल रहा है। जितने भी हमारे 21 PSC है, 9 UPSC है और जो CSC है, 9 CSC है, इतनी जगह रेगुलर टीकाकरण का कार्य संपादित हो रहा है, साथ ही कोविड के सैंपलिंग का भी कार्यक्रम संपादित किया जा रहा है।
गौरतलब है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अलर्ट रहते हुए कोरोना की जांच, इलाज, इससे बचाव और नियंत्रण के लिए सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को कहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन प्रवीण मिर्जे के साथ संजय दुबे।